Friends, today we are going to discuss about the demand. What is demand? Demand is the rate at which consumer wants to buy a product. Economic theory holds that demand consists of two factors. The first one is taste or willingness to buy, and the other one is ability to buy. Let's start with willingness to buy or taste. We have already discussed about the indifference curve analysis. In indifference curve analysis, humne kis cheez ko discuss kiya tha? The taste and preferences of individual. These are the preferences or desire or taste of individual. Indifference curve shows the different combination that gives individual same level of satisfaction. Means ke here we were discussing the taste, the preferences of individual. अगर उसको preferences होंगी, उसको वो चीज़ taste उसका पसंद होगा, उसकी likeness होगी, then individual will receive utility from that commodity. और अगर उसको जो है वो likeness नहीं है, then वो good individual के लिए जो है वो neutral good होगा, उसको उससे कोई utility या satisfaction receive नहीं होगी, और maybe the good would be a bad good. लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस उसके टेस्ट को शो कर रही होती हैं. जब इंडिविजुअल का टेस्ट होता है किसी फॉर अ पर्टिकुलर गुड, तो फिर ही विलिंगनेस आती है. अगर मुझे कोई चीज़ पसंद होगी तो मैं मार्केट में उसको खरीदने के लिए जाऊंगी. अब विलिंगनेस टू बाय फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मेरे पास विलिंगनेस टू बाय तो है, लेकिन मैं मार्केट से वो तब तक नहीं खरीद सकती अनटिल एंड अनलेस आई डोंट हैव एबिलिटी टू बाय. जब मेरे पास विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होगी, बोथ विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय, जब ये दोनों चीजें एड अप होंगी, देन वी विल रीच फॉर डिमांड. डिमांड तभी हो सकती है, मार्केट डिमांड तभी क्रिएट होती है जब विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू बाय बोथ दोनों चीजें मौजूद होंगी. एट ए स्पेसिफिक प्राइसेस एबिलिटी टू बाय क्या कहता है, इंडिविजुअल मस्ट पॉसेस सफिशिएंट इनकम और वेल्थ. ठीक है, जब मेरे पास एक इनकम लेवल, एक जो प्राइसेस मैं फेस कर रही हूँ द मार्केट, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास इनकम और वेल्थ मौजूद है, तभी मैं मार्केट में जाके अपनी विलिंगनेस के हिसाब से किसी चीज को डिमांड कर सकती हूँ. तो एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय. एबिलिटी टू बाय कम्स फ्रॉम द बजट कंस्ट्रेंट एनालिसिस, जो हमने बजट कंस्ट्रेंट का डिस्कस किया था, दैट शोज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू बाय. और विलिंगनेस कहाँ से आ गई, प्रेफरेंसेस से आ गई, यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से आ गई. तो फिर ऑप्टिमल बंडल कहाँ आ जाएगा, वेयर द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द बजट कंस्ट्रेंट, जहां पे आपका इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाता है बजट कंस्ट्रेंट से, दैट इज योर ऑप्टिमल बंडल. ठीक है, हमने टू वे ग्राफ हमने देखा था, एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई है एक्स एक्सिस वी हैव कमोडिटी एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव कमोडिटी वाई. तो एक्स एंड वाई के दरमियान जब हमने प्लॉट किया था इसे, तो हमने कहा कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व आपका टेंजेंट होगा टू द बजट कंस्ट्रेंट, वो आपके पास लीनियर बजट कंस्ट्रेंट यू हैव. ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन थी, लीनियर बजट कंस्ट्रेंट थी, और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपके पास इंडिफरेंस कर्व थे. तो हमने कहा कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो टेंजेंट होगा बजट लाइन से, दैट इज योर ऑप्टिमल बंडल. ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जहां पे आपका आईसी जो आपकी प्रेफरेंसेस को शो कर रहा है, और वेल बिहेव प्रेफरेंसेस के लिए ऑल द अजम्पशंस वी हैव टेकन, आपको उसको फुलफिल होना जरूरी था. ठीक है, तो हमने कहा हमारे पास स्मूथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व थे, और हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट थी, इंडिफरेंस कर्व हमारे शो कर रहे थे विलिंगनेस टू बाय एंड द बजट कंस्ट्रेंट शोस एबिलिटी टू बाय. और जब हम दोनों चीजों को आपस में एक ही ग्राफ में हमने उनको जब रीड किया, तो हमारे पास वो ऑप्टिमल बंडल आ गया, जिसपे हमने कहा कि इंडिविजुअल नाउ इज इन इक्विलिब्रियम. ये हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी है जो इंडिविजुअल अटेन कर सकता है विद गिवन प्राइसेस एंड इनकम.
अलोंग द बजट लाइन, ये जो आपने बजट लाइन ली है, अलोंग दिस बजट लाइन यू हैव प्राइसेस रिमेन कॉन्स्टेंट और आपके पास एक गिवन लेवल ऑफ इनकम है. क्योंकि जब हम इसका इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, हमने कहा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा कि आई अपॉन पी एक्स, इनकम शोज योर आई शोज योर इनकम लेवल एंड प्राइस ऑफ एक्स इज पी एक्स. तो आपने कहा अगर इंडिविजुअल पार्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी तमाम की तमाम इनकम ऑन कमोडिटी एक्स लगा रहा है, दैट शोज द एक्स इंटरसेप्ट. और अगर वो तमाम की तमाम आपकी वाई पे लगाता है, कमोडिटी वाई को परचेज करता है, इट मीन्स आई अपॉन पी वाई, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जो इंडिविजुअल कैन परचेज. वाई के वो यूनिट्स जो इंडिविजुअल परचेज कर सकता है इन केस के ही और शी स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन कमोडिटी वाई. ये तो आपके पास ऑप्टिमल बंडल आ गया. लेकिन ये ऑप्टिमल बंडल किसका है? एक इंडिविजुअल का है जिसकी आपने विलिंगनेस टू बाय और उसकी एबिलिटी टू बाय को देख लिया. ये ऑप्टिमल बंडल इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है इफ द प्राइस ऑफ अ गुड चेंज हो जाए. हमारे पास क्या है? दो कमोडिटी है, एक्स और वाई, वी हैव टू कमोडिटीज. ठीक है, तो अगर हम में हमारी कोई भी दोनों में से किसी भी एक कमोडिटी के प्राइसेस अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? आपकी बजट लाइन जो होगी वो रोटेट करेगी. ठीक है, रोटेट क्यों करेगी? शिफ्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास अगर एक्स में चेंज आता है तो वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज, आई अपॉन पी वाई, इसका मतलब है प्राइस ऑफ वाई चेंज नहीं हुए, तो आपका वाई इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा. ठीक है, ओनली एक्स इंटरसेप्ट चेंज होगा अगर प्राइसेस ऑफ एक्स जो है वो आपके चेंज हो जाते. चेंज कहां आकर हो रहा है? प्राइस ऑफ एक्स में. अगर प्राइस ऑफ एक्स चेंज होते हैं तो फिर आपके पास अब क्या होगा कि एक्स इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज, आपकी जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन है ना वो चेंज हो जाएगी. अब चेंज क्या होगी? हमने यहां पे लिया है कि अगर वो डिक्रीज हो जाते हैं प्राइस ऑफ एक्स, अगर प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होते हैं, इट मीन्स नाउ इंडिविजुअल कैन बाय मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. वो सस्ती हो गई, चीपर हो गई है रिलेटिव टर्म में, तो एक चीपर कमोडिटी को विद अ गिवन इनकम इंडिविजुअल ज्यादा परचेज कर सकता है. इसका मतलब क्या होगा? तो ये बजट कंस्ट्रेंट जो हमारे पास मौजूद थी वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. उसका वाई इंटरसेप्ट रिमेन अनचेंज, लेकिन एक्स इंटरसेप्ट उसका बढ़ जाएगा. लेट सपोज कि हमने कहा आपकी बाहर की तरफ चेंज हो गई. इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं. नेक्स्ट रैग है, हमने कहा 26.7 यूनिट ऑफ एक्स थे उसके पास जब उसके प्राइसेस जो थे वो $12 थे. लेकिन अगर जब उसके प्राइसेस कम हो गए, $6 रह गए, तो इंडिविजुअल 44.5 यूनिट्स को परचेस कर रहा है. उसका जो ऑप्टिमल बंडल है, क्यों? क्योंकि उसका ऑप्टिमल बंडल अब चेंज हो गया. अब दिस पॉइंट इज नो मोर द ऑप्टिमल बंडल, क्योंकि ये उस बजट लाइन पे है जो कि अब वो इंडिविजुअल फेस नहीं कर रहा. अब इंडिविजुअल ये बजट लाइन फेस कर रहा है, तो वो इस पे कोई हायर इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर सकता है, कोई हायर इंडिफरेंस कर्व रीच कर सकता है, तो उसका ऑप्टिमल बंडल चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से हमने कहा कि जो इनिशियल था, लेट सपोज वो 26.7 यूनिट्स था, ये इनिशियल था. जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हुए तो उसने उसकी कंजम्पशन बढ़ा दी. नाउ द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ एक्स दैट इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग इज 44.5 यूनिट्स. मजीद उसके प्राइसेस अगर डिक्रीज होते हैं इंडिविजुअल, और फर्दर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गया और उसने इसकी कंजम्पशन को रेस किया, एंड देन ही इज कंज्यूमिंग 58.9 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. हियर यू कैन सी दैट We have y and x and y two commodities. ये वही है, लीनियर हमारे पास बजट लाइन है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं. ठीक है, हमने कहा दिस इज द ऑप्टिमल बंडल व्हेन प्राइसेस वाज 12. जब 12 प्राइसेस थे तो इंडिविजुअल जो कमोडिटी ऑफ x के यूनिट कंज्यूम कर रहा था वो 26.7 थे. दिस इज द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ x. ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर कमोडिटी एक्स बात कर रहे हैं इस वक्त, कि एक्स के रिस्पेक्ट से जो ऑप्टिमल क्वांटिटी है, जो इक्विलिब्रियम पे इंडिविजुअल एक्स की क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय दोनों चीजें मौजूद है, दिस इज द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, वो 26.7 है.
लेकिन वेन एवर प्राइसेस चेंज, अगर प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो जाता है, लेट सपोज प्राइस ऑफ एक्स 12 से 6 डॉलर पे आ गया, ठीक है, तो आपकी बजट लाइन क्या हुई, आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, रोटेट हो गई, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज, वाई इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा, एक्स इंटरसेप्ट आपका बढ़ गया क्योंकि एक्स के मजीद यूनिट इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है क्योंकि एक्स इज नाउ अ चीपर कमोडिटी। जब आपके पास बजट लाइन रोटेट हुई तो ईवन इज नो मोर द ऑप्टिमल बंडल, क्योंकि अब इंडिविजुअल जो फेस कर रहा है बजट लाइन वो उसकी ये वाली बजट लाइन है L2। इस बजट लाइन में इस कंस्ट्रेंट के साथ नाउ द एबिलिटी टू बाय जो इंडिविजुअल की है वो आपके पास ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो अफोर्डेबल हो गया इंडिविजुअल के लिए। जब प्राइसेस ये थे तो ये अफोर्डेबल नहीं था फॉर इंडिविजुअल, बट प्राइसेस उसके डिक्रीज हुए, नाउ द होल एरिया अंडर द बजट कंस्ट्रेंट ये आपके पास अफोर्डेबल है फॉर इंडिविजुअल। तो जब ये पूरा का पूरा होल एरिया अफोर्डेबल है तो जब मैक्सिमाइज करेगा इंडिविजुअल अपनी यूटिलिटी को, तो हमने क्या कहा कि वो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को रीच करने की कोशिश करेगा। नाउ E2 इज द ऑप्टिमल बंडल फॉर इंडिविजुअल। इस E2 बंडल पे जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो कितनी हो जाएगी, 44.5 यूनिट्स। अब इंडिविजुअल ने कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज कर दी फ्रॉम 26.7 टू 44.5 यूनिट। फर्दर अगर प्राइसेस में डिक्लाइन आता है फ्रॉम 6 टू 4 डॉलर, प्राइसेस मजीद डिक्रीज हो गई हैं एक्स की 6 डॉलर से 4 डॉलर पे, तो उससे क्या हुआ, फर्दर रोटेट कर गई आउटवर्ड आपकी बजट कंस्ट्रेंट, और जो न्यू बजट लाइन है जो इंडिविजुअल नाउ इज फेसिंग इज L3। इस L3 पे ऑप्टिमल बंडल क्या होगा, जहां पे इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन से टेंजेंट होगा, दैट इज द ऑप्टिमल बंडल। तो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम E1 से पहले E2 पे शिफ्ट हुआ जब प्राइसेस चेंज हुई, E2 से E3 पे शिफ्ट हो गया। तो यहां से इंडिविजुअल का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो आपको नजर आ रहा है। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या शो कर रहा होता है, यहाँ पे दिस इज द प्राइस कंजम्पशन कर्व। जब मैं इन तमाम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को एक किसी लाइन से ट्रेस करती हूँ तो जो मेरे पास कर्व आता है दैट इज कॉल्ड प्राइस कंजम्पशन कर्व। इट ट्रेसेस द ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल फॉर डिफरेंट प्राइसेस, जो शो कर रहा होता है कि डिफरेंट प्राइसेस पे इंडिविजुअल कितनी क्वांटिटी को एक्स एंड वाई की डिमांड कर रहा है, दिस इज द प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब इसी चीज को जो हमने ऊपर किया है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स थी, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाई थी, हमने सेम पैनल 2 में भी एक्स एक्सिस पे पास हमारे पास क्वांटिटी ऑफ एक्स ही है, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव क्वांटिटी ऑफ एक्स, बट इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग वाई ऑन वाई एक्सिस हमने यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड द प्राइस ऑफ एक्स। सेम ये वही वाली आपका फिगर रिपीट हो रही है जो प्रीवियसली हमने पिछली स्लाइड पे देखी। हमने कहा जब प्राइसेस 12 डॉलर थे तो 26.7 यूनिट ऑफ एक्स इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ पॉइंट 26.7 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स और उसपे प्राइस क्या थे, 12 यूनिट थे। जब प्राइसेस डिक्रीज हुए फ्रॉम 12 टू 6, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे शिफ्ट हो गया। नाउ क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हुई 26 से 44.5। जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास ये E2 से निकल के आ रहा है। एट दिस पॉइंट प्राइसेस इज 6 डॉलर एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स इज 44.5। अगेन प्राइस फर्दर डिक्रीज हुए फ्रॉम 6 टू 4, तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 44.5 से 58.9 पे। जब हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहे हैं एक कर्व के साथ, एक सिंगल कर्व पे, तो फिर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दिस इज योर डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने टू वे ग्राफ है हमारे पास, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे
जिनके कॉम्बिनेशन को हम इस पे शो कर रहे हैं कि एक्स की प्राइसेस के साथ क्वांटिटी का क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स में. दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स और द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड. जो भी किसी भी पर्टिकुलर गुड आप जिसकी भी डिमांड देख रहे हो, आप कहोगे कि उसकी प्राइस से उसकी क्वांटिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज योर डिमांड. डिमांड कर्व जो आपका शो कर रहा होता है. अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है, हमने यहां पे अज्यूम किया हुआ है कि ओनली प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, सिट्रस पैरिबस की अजम्पशन यहाँ पे हमने ली है, दैट सेज ऑल अदर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो आपके पास अदर फैक्टर्स थे, इनकम थी, टेस्ट थी, प्रेफरेंसेस थे, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो होंगे वो कॉन्स्टेंट रहेंगे. प्राइस ऑफ अदर गुड यानी जो वाई के प्राइसेस हैं, जो आपके पास इनकम लेवल है, जो इंडिविजुअल का टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, जितने अदर फैक्टर्स हैं, एक्सेप्ट कि जिस चीज की क्वांटिटी को आप एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं उसके प्राइसेस आप वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज कॉन्स्टेंट. दिस इज द डिमांड कर्व दैट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट. यानी जब हम अलॉन्ग द कर्व मूवमेंट को देखते हैं, अगर मैं कहूंगी कि E1 से E2 पे चेंज आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, तो मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व आपको क्या बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अलॉन्ग द कर्व डिमांड चेंज हो रही है. डिमांड चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है. जो इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर प्राइस डिमांड कर रहा था, प्राइसेस के चेंज होने से उसने अपनी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो चेंज कर ली. तो अलोंग द कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है. ये आपके पास क्या था, एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व था. एक इंडिविजुअल का हमने इंडिफरेंस कर्व लिया, उसकी हमने बजट कंस्ट्रेन ली और हमने कहा कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन प्रेफरेंसेस के साथ इतनी क्वांटिटी को परचेज करेगा अगर उसकी इनकम ये होगी और प्राइसेस जो है जो मार्केट में वो फेस कर रहा है वो ये है. दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व कैसे आएगा, अ मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व. Q1 is a quantity जो individual 1 demand कर रहा है, Q2 is a quantity जो individual 2 demand कर रहा है. अब market में एक individual तो नहीं है, market में तो nth individuals हैं. तो जब हम उन तमाम individuals की जो demand है, quantity demand है, हम अगर उसको add up कर लेंगे तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, मार्केट डिमांड कर्व पे. तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स gives you a market demand. ठीक है, to derive a market demand curve simply add the quantities. यानी हमें x axis का summation करना है, ठीक है, keeping the prices constant. यानी vertical axis जो होगा वो change नहीं होगा. Prices market में जो individual 1 face कर रहा है वही prices individual 2 भी face करेगा, वही individual n भी face करेगा. हम सब लोग market में जो price face कर रहे हैं वो same है, लेकिन हमारी प्रेफरेंसेस चेंज है एंड ड्यू टू चेंज इन आवर प्रेफरेंसेस और हमारी इनकम लेवल चेंज है, तो हम उसकी वजह से हमारी डिमांड जो हो रही है, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो डिफरेंट है. तो हम जब तमाम इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी डिमांडेड को एड अप करेंगे विद द प्राइस गिवन प्राइस एट अ गिवन प्राइस, यानी वर्टिकल एक्सिस आपका सेम रहेगा, देन यू विल रीच द मार्केट डिमांड. लेट सपोज इन द इकोनॉमी, अब यहाँ पे हम पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट में वी हैव ओनली टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना हमारे पास ये कि दो ही इंडिविजुअल्स है जो मार्केट में कमोडिटी एक्स को डिमांड कर रहे हैं. प्राइसेस जब उस कमोडिटी के टू थे, $2 से, तो इंडिविजुअल जो डिमांड कर रहा था ए, वो 17 यूनिट्स डिमांड कर रहा था और इंडिविजुअल बी जो डिमांड कर रहा था वो 28 यूनिट्स डिमांड कर रहा था.
$2 पे 17 यूनिट्स इंडिविजुअल ए ने डिमांड किए और 28 यूनिट्स इंडिविजुअल बी ने डिमांड किए। इसका मतलब है मार्केट की टोटल डिमांड क्या होगी, समीशन ऑफ डिमांड ऑफ इंडिविजुअल ए एंड डिमांड ऑफ इंडिविजुअल बी, जब हम इन दोनों को एड अप करेंगे दिस इज योर मार्केट डिमांड, तो आपकी जो टोटल मार्केट डिमांड है वो 45 यूनिट्स आ जाएंगे। जब प्राइसेस इंक्रीज हुए फ्रॉम 2 to $2.5, तो इंडिविजुअल ए की डिमांड भी कम हो गई कि ना, एक्स इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव कमोडिटी, एक्स एक्सपेंसिव हो चुका है, तो इंडिविजुअल ए ने भी अपनी डिमांड कम कर दी, फ्रॉम 17 to 16 पे आ गया। इंडिविजुअल बी ने भी अपनी डिमांड डिक्रीज कर दी फ्रॉम 28 to, नाउ इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग 26। अब यहाँ जो डिफरेंस इन क्वांटिटी है जो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी डिमांड कर रहा है वो किसकी वजह से है, द डिफरेंस इन क्वांटिटी इज बिकॉज ऑफ टेस्ट और बिकॉज ऑफ प्रेफरेंसेस जो इंडिविजुअल फेस कर रहा है, इनकम जो वो इंडिविजुअल फेस कर रहा है, तो उन चीजों के डिफरेंस की वजह से दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। इंडिविजुअल ए ने 17 यूनिट डिमांड की, इंडिविजुअल बी ने 28 यूनिट ऑफ एक्स डिमांड की, टोटल मार्केट डिमांड जो थी वो 45 यूनिट्स थी। अगेन 2.5 पे 16 यूनिट इंडिविजुअल ए ने डिमांड किए, 26 यूनिट इंडिविजुअल बी ने डिमांड किए, तो टोटल मार्केट डिमांड 42 थी। जब प्राइसेस फर्दर रेज हुए फ्रॉम 2.5 टू 3 डिमांड डिक्रीज हो जाएगी 16, यानी जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं डिमांड डिक्रीज हो जाती है, दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइसेस रिड्यूस द डिमांड फॉर दैट गुड। प्राइस और क्वांटिटी का जो डिमांड हो रही है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स नेगेटिव और डाउनवर्ड। इसी तरीके से जब मजीद इंक्रीज हो गए तो उसकी डिमांड, लेकिन हम कर क्या रहे, फॉर टू कम अप मार्केट डिमांड हम इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी की डिमांड को एड अप कर रहे हैं। दोनों की डिमांड को जब हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग हियर देयर इन द मार्केट ओनली देयर इज टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ए इंडिविजुअल बी, तो जो उनका समीशन आएगा दैट इज द मार्केट डिमांड। ये उसी इस कैजुअल का डिमांड, इस कैजुअल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। $4, जब $4 है तो जो क्वांटिटी इंडिविजुअल ए डिमांड कर रहा है वो 13 यूनिट्स है, जो इंडिविजुअल बी डिमांड कर रहा है वो 20 यूनिट्स है, तो जो मार्केट डिमांड हो जाएगी वो 33 यूनिट्स हो जाएगी। तो दिस इज डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल ए, ओके, दिस इज डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल बी एंड दिस इज मार्केट डिमांड कर्व। ये आपका मार्केट डिमांड है जो कि हॉरिजॉन्टल समीशन है इंडिविजुअल डिमांड्स का। यहाँ पे अगर आप देखें, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, 14 पे 13 यूनिट्स इंडिविजुअल ए डिमांड कर रहा था, 20 यूनिट्स इंडिविजुअल बी और 33 यूनिट्स जो थी वो टोटल मार्केट डिमांड थी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्राइसेस हायर प्राइस उठा लूँ, लेट सपोज हम प्राइसेस 7 पे चले जाते हैं, तो 7 यूनिट एक्स के इंडिविजुअल ए डिमांड कर रहा है, 8 यूनिट एक्स के इंडिविजुअल बी डिमांड कर रहा है, तो टोटल मार्केट डिमांड 15 यूनिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो हम अगर इसी को देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि अब हम $7 पे अगर इसको प्लॉट करें अलोंग द कर्व, ये जो आपका डिमांड कर्व ड्रॉ हुआ हुआ है ये इन तमाम पॉइंट्स को लेके ही ड्रॉ हुआ है। 7 जब आपके पास प्राइसेस हैं तो इस पे एक्स की कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, वाई की कितनी, सॉरी इंडिविजुअल ए की डिमांड एक्स की कितनी है, इंडिविजुअल बी की डिमांड कितनी है, और सम हो जाएगा जो मार्केट डिमांड आएगी। तो वाई एक्सिस आपका अनचेंज रहेगा, वाई एक्सिस आपका चेंज नहीं होगा, आपकी उस प्राइसेस पे इंडिविजुअल्स की डिमांड को आप एड अप करते हुए जाओगे। व्हेन ऑल इंडिविजुअल कर्व्स आर एग्रीगेटेड अ मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन, तो वो आपके पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। मार्केट डिमांड आपकी कब चेंज होगी, व्हेन मार्केट डिमांड चेंज, जब इंडिविजुअल्स की डिमांड चेंज होगी, तो वो तमाम फैक्टर्स जो इंडिविजुअल की डिमांड को चेंज करते हैं वही मार्केट की डिमांड को भी चेंज करेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट कब होगा, प्राइस के चेंज से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता, आई एम रिपीट, प्राइस के चेंज
आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को चेंज करता है, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होगी। लेकिन द अदर फैक्टर्स दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो हमने सिट्रस पैरिबस की अजम्पशन अज्यूम करके चले कि हमने कहा ऑल एल्स इक्वल, तो जो ऑल एल्स है जब उनमें चेंज आएगा देन योर डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड और इनवर्ड। आउटवर्ड कब कब शिफ्ट हो सकता है? अगर आपकी रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाए, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो रही है, नाउ इंडिविजुअल हैव एबिलिटी टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर इंक्रीज हो जाए, जब आपके सब्स्टिट्यूट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उस गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और जब उसकी डिमांड डिक्रीज होती है तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड है तो इंडिविजुअल अपनी डिमांड शिफ्ट कर देता है। लेट सपोज वाई इज सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स, अगर वो वाई जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड है एक्स का, और वाई के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो इंडिविजुअल क्या करेगा, वाई की कंजम्पशन को कम कर देगा और रिलेटिवली चीपर कमोडिटी जो कि नाउ एक्स इज रिलेटिवली चीपर कमोडिटी, तो वो एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह डिमांड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर डिमांड, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट गुड की डिमांड डिक्रीज होगी उसकी इंक्रीज ऑफ प्राइस की वजह से, और ये गुड भी उसके कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कॉम्प्लीमेंट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी प्राइसेस, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट की डिक्रीज हो जाएंगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड होने की वजह से एक्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। इंडिविजुअल का टेस्ट चेंज हो जाए, पहले उसको एक्स इतना पसंद नहीं था लेकिन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए और अब उसकी जो लाइकनेस है वो मजीद बढ़ जाए उसके लिए, तो अगर इंडिविजुअल का टेस्ट चेंज हो जाता है टूवर्ड्स अ गुड, अगर टूवर्ड्स अ गुड हो रहा है, इसी तरीके से इंडिविजुअल फेडअप भी हो सकता है, सैचुरेट भी हो सकता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज होती है टूवर्ड्स अ गुड तो डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी। टोटल पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाए, न्यू कंज्यूमर्स जो है वो एंटर हो जाए मार्केट में, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, तब भी आपके पास जब समीशन कर रहा हो आप, टोटल आपके पास इंडिविजुअल, पहले मैंने दो लिए हुए, मैंने कहा मार्केट में एक थर्ड इंडिविजुअल एंटर हो गया, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो भी आपकी डिमांड को इंक्रीज कर देती है। कंज्यूमर का फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप क्या बनेगा डिमांड कर्व के साथ, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आपका जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिर जो सेविंग्स होती हैं आपकी वो डिक्रीज हो जाती हैं। जब आपको उस पर इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता तो जो सेविंग अमाउंट है वो आप डिक्रीज कर देते हो, और जो आपकी कंजम्पशन अमाउंट है, एक्सपेंडिचर्स जो आप कर रहे होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो इंडिविजुअल सेव मोर करता है, जब वो ज़्यादा सेविंग्स करते हैं तो फिर वो मार्केट में डिमांड कम करते हैं। तो फॉल इन इंटरेस्ट रेट से जब भी आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है आपकी डिमांड जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए इंक्रीज हो जाए, यानी इट मींस कि उसकी प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स अ गुड जो है वो चेंज हो रही हैं, तो आपकी डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और सोशल चेंजेस आ जाएं, सोशल चेंजेस भी आपके एक तरीके से उसकी प्रेफरेंसेस को ही चेंज कर रहे होते हैं, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई चेंज आता है तो फिर आपकी डिमांड जो है वो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है सोशल चेंजेस से, और डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, बोथ केसेस यहाँ पे भी पॉसिबल हैं। जिस तरीके से हमने कहा प्रेफरेंसेस टूवर्ड्स अ गुड है तो आपके पास डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर टूवर्ड्स अ गुड नहीं है तो फिर आपकी डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं।